प्यार के जंजाल में फंस जाती हैं, वो दिखावट में थोड़े अलग दिखते हैं। देश के कानून इतने गंदे बनाए हुए हैं जिसके को मैं संदेश देना चाहूँगा बच्चे, एक तो ये शॉर्ट कपड़े हैं ना, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आजकल सिस्टम चल रहा है, इसे दरिंदे को जल्दी से जल्दी और कड़ी से कड़ी सजा देके आने वाले भविष्य में सावधान रहे कि वो ऐसी हरकत करे, ऐसी सजा देनी चाहिए हमारे देश के प्रधानमंत्री को। मेन चीज है कि जो भी लोग ऐसा होता है और उस पे वो नहीं कर देना, टीवी कैमरा में सब कुछ दिख रहा है, उसके बाद भी उनको जो पब्लिक देखती हुई जा रही थी उनको भी उनको रोकना चाहिए था, वो भी अपनी भी गलती है कुछ, उनका सर्कल ध्यान रखता तो आज ये चीज नहीं होती। ऐसे वारदात बढ़ते जा रहे हैं, लोगों जब फोकस नहीं था, किसी को सजा नहीं मिलती। सबसे बढ़िया सजा उनको अच्छी एक अच्छी क्वालिटी में या बोले प्यार या प्रेम, एक एहसास है जो दिमाग से नहीं दिल से होता है। इसमें अनेक भावनाओं में अलग अलग विचारों का समावेश होता है। प्यार में कोई शर्त नहीं होती, जो निस्वार्थ होता है। लेकिन हमने कुछ दिनों पहले देखा दिल्ली मर्डर साक्षी मर्डर केस, जिसमें 20 वर्षीय बालिक ने 16 वर्षीय नाबालिग को 20 बार से ज़्यादा चाकुओं से वार किया, कई बार पत्थरों से वार किया। जब उसका मन नहीं भरा, जब वो वापस से लौट के आया, फिर उसको खूब बार मारा। तो इसको हम प्यार कहेंगे या क्या कहेंगे, जनता से हम पूछते हैं। जो दिल्ली में साक्षी मर्डर केस हुआ उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? दिल्ली में जो साक्षी मर्डर केस हुआ उसके बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि लड़कियों को सतर्क रहना चाहिए, वो थोड़ा प्यार के जंजाल में फंस जाती हैं, वो दिखावट में थोड़े अलग दिखते हैं लेकिन वो उस तरह का प्यार नहीं होता है, तो उनको सतर्क रहना चाहिए और अपनी लाइफ को बनाने में ध्यान रखना चाहिए। ऐसे आदमी को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, इससे कोई कम नहीं होनी चाहिए। ये देश के कानून इतने गंदे बनाए हुए हैं जिसके आदमी को सजा ही नहीं मिल पाती है। मेरा जैसा अगर वो हो ना वहाँ तो डायरेक्ट फांसी की देगा ना, किंतु परंतु करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है उसमें। लोगों को मैं संदेश देना चाहूँगा बच्चे, एक तो ये शॉर्ट कपड़े हैं ना, ये नहीं पहना है, इससे आदमी आकर्षित होता है, क्लियर बात ये है। दूसरा आदमी मतलब खुद ही सेफ्टी नहीं है, लड़की को इतना होना चाहिए जो कम से कम खुद का कॉन्फिडेंट तो होना चाहिए ना, इतना जो एक दूसरे को संभाल सके। जब लड़की आगे से लिफ्ट देती है लड़का वो हो जाता है, इस चक्कर में ये काम होते हैं। अब ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आजकल सिस्टम चल रहा है, ये सिस्टम एकदम गलत है मेरे हिसाब से, आज के हिसाब से कुछ भी हो। बाकी मैं एक पुराना आदमी हूँ, मेरे 60 साल की एज होती आई तो मेरे को अनुभव है ना, जो शायद ही किसी को। उसके बारे में यही कहना चाहेंगे जो हुआ जो बहुत गलत हुआ है, और ऐसे दरिंदे को जितनी कड़ी से कड़ी सज़ा कानून दे सके वो देना चाहिए और जल्दी अति शीघ्र। ऐसा नहीं उसको बैठ के गवर्नमेंट की सरकारी रोटियां खिलाते रहे, दो साल बाद में फिर वो कानून के चंगुल से छूट जाए। तो गवर्नमेंट से सरकार से यही निवेदन है कि ऐसे दरिंदे को जल्दी से जल्दी और कड़ी से कड़ी सज़ा दे के आने वाले भविष्य में बच्चियों की रक्षा की जाए। कहना तो यही है कि जिस भी धर्म से हैं आप, लेकिन सावधान रहें, बस यही कहना हमारा। इस बच्ची के साथ बहुत गलत हुआ था और ये बहुत देश के लिए हानिकारक था एक तरह से, शर्मनाक घटना। क्या कहना चाहते हैं मैम आप एक माँ के तौर पे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि वो दोबारा ऐसा अपराध करने की हिम्मत भी ना करे, या हिम्मत करने की बात तो दूर की है, वैसा कोई भी युवक जो है ना वो सोच भी नहीं सके कि वो ऐसी हरकत करे। ऐसी सजा देनी चाहिए हमारे देश के प्रधानमंत्री को, उस व्यक्ति को चौराहे पे खड़ा करके उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। बच्चियों के लिए आप क्या संदेश देना? बच्चियों के लिए यही संदेश देना चाहूँगी मैं कि वो सावधान रहें ऐसे लोगों से, किसी के भी झांसे में ना आए, और है ना ऐसे जो भी ज़्यादा वो करें मिलनसार रहने की कोशिश करें, बल्कि उससे दूर रहें, किसी पे विश्वास ना करें, क्योंकि ये दुनिया विश्वास के काबिल ही नहीं है सच पूछा जाए तो। बच्चियों को वो नहीं मिलेगा तो बच्चे कैसे निकलेंगे बाहर, उनके लिए भी कुछ सुविधा होनी चाहिए। एक ये बात है बेटा, गलत तो लड़की को ये पता होना चाहिए कि अपन किससे कर रहे हैं, क्या है उसके मतलब बैकग्राउंड का ये सब। और मेन चीज़ है कि जो भी लोग ऐसा होता है और उस पर वो नहीं कर देना, देख के निकल जाते ये वो ये सब ये सब। हाँ, गवर्नमेंट एक तरफ लड़कियों के लिए जो है ये कहती है कि हम आज ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ये एक देश के लिए शर्मसार है। गवर्नमेंट ऐसे जो हैं जो क्रिमिनल हैं उनको बीच चौराहे पर लटका के गोली मार देनी चाहिए, अगर उनके बस में नहीं है तो जनता के हवाले करते हैं। उसका सबूत है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, सीसीटीवी कैमरा में सब कुछ दिख रहा है, उसके बाद भी उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया, एक्शन लिया, उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतनी इन्वेस्टिगेशन क्यों हो रही है, मतलब उस पर कोई एक्शन लेना चाहिए उनको। बहुत गलत है, मतलब उन बच्चों को तो सीधा है ना कोई मुकदमा नहीं होना चाहिए, उनको फांसी से फांसी लगा देना चाहिए, या ऑन मतलब इसको है ना बोलना चाहिए कि भाई इसको इसी वक्त चौराहे पे लटका दिया जाए। बहुत गलत हुआ है
मतलब गलत हुआ, पब्लिक को, उनको जो पब्लिक देखती हुई जा रही थी उनको भी उनको रोकना चाहिए था, वो भी अपनी भी गलती है कुछ कि अपने उनको सपोर्ट कर रहे हैं एक तरह से, वो देखा जाए ना तो उनका एक सपोर्ट था अपना कि जो आदमी उसको मार रहा है इतनी बेरहमी से मार रहा है और फिर भी अपने उसको सपोर्ट करते, अपने देखते हुए जा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, ये अपनी भी बहुत बड़ी गलती है, ये बढ़ावा देना है अपने एक तरह से। मेरे हिसाब से जो हुआ बहुत 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 गलत हुआ। अपन कुल मिला के ये बात बोल सकते हैं कि एक तो फैमिली को कि बच्ची क्या करें क्या नहीं ध्यान रखना चाहिए, और सेकंड चीज़ सबसे बड़ी चीज़ कि उसका सर्कल, अगर सर्कल ध्यान रखेगा ना किसके साथ है, क्यों है, कैसे है, या कुछ मतलब ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो नोटिस में आ रही हैं, तो कुछ ना कुछ मतलब सर्कल को भी मतलब ध्यान देना चाहिए कि मतलब ये गलत है, ये है, वो है, या निगरानी रखनी चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ होता, अगर उनका सर्कल ध्यान रखता तो आज ये चीज़ नहीं होती। वो बहुत बेकार काम किया है, ऐसा घिनौना काम नहीं करना चाहिए किसी भी लड़की के साथ, बहुत ही ज़्यादगी की है लड़की के साथ, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, जो भी साक्षी के साथ हुआ उसको न्याय मिलना चाहिए पूरा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी ऐसे हो रहे हैं मर्डर, ज़्यादातर जो केसेस बन रहे हैं उनको पर जो गवर्नमेंट सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे ना तो उससे क्या कि कंट्रोल होगा, लोगों को भय भी होगा, और वैसे वारदात बढ़ते जा रहे हैं, लोगों जब भी फोकस नहीं था किसी को सज़ा नहीं मिलती। सबसे बड़ी है सज़ा उनको अच्छी, एक अच्छी क्वालिटी में, या बोले तो अच्छी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, जिससे कि ना कि कोई दूसरा पर्सन भी देख के या निकाल सकता है, या उसके मन में भय होना चाहिए कि हाँ मैं करूँगा तो मेरे साथ ऐसे हो सकता है, मेरे फैमिली के साथ ऐसे हो सकता है, ताकि गवर्नमेंट उन पर फोकस करें और जिनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। मेरा तो कहना ही है, क्योंकि ऐसे वारदात किसी की, आज मेरी बहन है, कल किसी और की बहन है, किसी के माँ बाप, किसी के क्या, तो वो ऐसे सब कुछ गवर्नमेंट के लेवल के स्तर से भी ठीक होना चाहिए। बहुत गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए, ये तो अपने को खुद आवाज़ उठानी पड़ेगी, तो सरकार तो कुछ करने वाली है नहीं, ये तो जनता ही करेगी।